नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 27 जुलाई। आई होप आप सभी दोस्तों ने क्या होगा अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। देखो, न्यूज़पेपर पढ़े बिना न्यूज़ समझने में मज़ा नहीं आता, इसलिए आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा समझने का प्रयास करो, फिर आप वीडियो देखो तो आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें से मैंने कुछ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ें वो निकाली है। सबसे पहले तो हम एक स्कीम पर डिस्कस करेंगे, वो थी बेसिकली OMS, ओपन मार्केट सेल स्कीम। भारत सरकार की स्कीम है जिसके तहत क्या होता है, भारत सरकार कम प्राइस पर राइस और व्हीट स्टेट्स को या फिर अन्य जो यूजर हैं उनको उपलब्ध कराती है। इसके बाद एक अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। तो ये पूरा मैटर समझेंगे थोड़ा बहुत। देखो, USA की इकोनॉमी दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना जरूरी होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक थर्ड न्यूज़ तो आप सबने सुनी होगी, हज़ारों बार सुनी होगी कि PM मोदी ने जो दिल्ली में प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर का इनोग्रेशन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया के टॉप 10 में इसको शामिल किया जाएगा, टॉप 10 ये एग्जीबिशन सेंटर में है। थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे। हालांकि ये जो बात है वो एग्जाम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये ठीक है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो इंडिया में अच्छी अच्छी स्ट्रक्चर बन रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से ये कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको मीडिया में न्यूज में दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज। आप देख सकते हैं इसको, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, सेल ऑफ व्हीट राइस टू स्टेट अंडर OMS स्टॉप टू मेंटेन एडिक्वेट बफर स्टॉक्स एंड कंट्रोल प्राइसेस। अगर आप इस न्यूज़ से कुछ नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूँ कि देखो, एक स्कीम होती है भारत सरकार की, हम इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। आप सबको पता होगा ये फार्मर है, फार्मर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसका, सपोज करो व्हीट एंड राइस का, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, सब जगह ही होता है। गवर्नमेंट इस व्हीट एंड राइस को क्या करती है, हम सबको पता है कि इसको गवर्नमेंट खरीद लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर, ठीक है, जो भी MSP होती है उस टाइम की, उसके हिसाब से गवर्नमेंट इसको खरीद लेती है और अपना स्टॉक बना लेती है। बेसिकली भारत सरकार की ही खरीदती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टॉक बना लेती है। अब इस स्टॉक से गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट एक कानून है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा। गाँव में 5 किलोग्राम मिलता है ना, सिटी में मिलता है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो NFSA एक्ट है 2013 में लेके आया गया था, इसके तहत ना हर जो पात्र परिवार है उसको 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ राइस व्हीट और मोटा अनाज सस्ते दाम पर दिया जाता है। कितने में, 3 रुपये KG, 2 रुपये KG, 1 रुपये KG, 3 रुपये किलो में चावल, 2 रुपये किलो में व्हीट और 1 रुपये KG में जो कोर्स ग्रेन होता है, मोटा अनाज होता है जैसे ज्वार बाजरा, ऐसे दिए जाते हैं 5 किलोग्राम पर पर्सन। अब सपोज करो कोई फैमिली में चार व्यक्ति हैं तो उसको 20 किलोग्राम गेहूं या चावल ले सकता है वो मंथली। तो ये NFSA के तहत क्या करते हैं गवर्नमेंट, जो ये व्हीट और राइस अवेलेबल कराती है वो कहाँ से आता है, वो ये MSP से परचेज के माध्यम से आता है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट इमरजेंसी स्थिति के लिए बफर स्टोर को मेंटेन करते हैं व्हीट और राइस का। देखो, गेहूं चावल क्या है, ऐसी चीज़ है, एक फूड ग्रेन है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी तो ऐसी स्थिति में ये बफर स्टॉक से मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट एक मिनिमम बफर स्टॉक मेंटेन करती है। फिर भी इसके पास सरप्लस बच जाता है, सरप्लस स्टॉक बच जाता है, तो ये क्या करता है, तो दोस्तों अगर सरप्लस अमाउंट बच जाती है तो एक स्कीम चलाती है भारत सरकार, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इस OMS के तहत एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर देती है, सपोज करो व्हीट 20 रुपये KG या फिर राइस 30 रुपये KG, ऐसा एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर देते, इस पर ये सेल कर देती है। किसको करती है, स्टेट्स यहाँ से खरीद सकते हैं, जो राज्य है, आपको पता होगा राज्य NFSA से अलावा भी कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कि NFSA में तो कितना देते हैं 5 किलोग्राम, लेकिन अभी एक कर्नाटका का एक स्कीम चल रही थी उसमें वो 10 किलोग्राम देना चाह रहे हैं पर मंथ, तो ये 5 किलोग्राम स्टेट के पास कहाँ से आएगा, तो स्टेट्स यहाँ से खरीद लेते हैं, या फिर कई बार जो बल्क यूजर हैं, कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, वो भी इसको बल्क ट्रेडर वगैरह भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, ठीक है, और भी कोई अन्य व्यक्ति इसको खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। इससे क्या होगा, इससे बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है,
सप्लाई बढ़ जाएगी तो आप जानते हो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करता है, गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करती है। लेकिन पिछले कई टाइम से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गेहूँ चावल फ्री में अवेलेबल करा रही है। नाम सुना होगा स्कीम का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये स्कीम कोरोना के बाद चलाई थी, आप सबको पता है। इसके तहत फ्री में 5 किलोग्राम गेहूँ और चावल दिए गए थे काफ़ी टाइम तक। PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ये चल गया। और इसके अलावा इस साल क्या मॉनसून, आप सबने देख रखा है मॉनसून ऐसा नहीं है, इस बार अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का, अन ईवन, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। साथ में अलिनो का भी एक बताया जा रहा है कि अलिनो इफेक्ट रहेगा, तो मानसून बढ़िया नहीं होगी तो वीट और राइस का प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो गवर्नमेंट परचेज भी कम करेगी, तो गवर्नमेंट कम परचेज करेगी तो गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक खत्म ना हो जाए, अगर गवर्नमेंट ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेचती रहेगी तो उसके पास धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा और नया प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसी स्थिति में देश में शॉर्टेज हो सकती है वीट राइस की। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया जो ये ओपन मार्केट सेल स्कीम थी, इसके तहत जो स्कीम चल रही थी उसको बैन कर दिया। अब इसके तहत कोई भी वीट और राइस सेल नहीं किया जाएगा, ये कल पार्लियामेंट में बताया। कल पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई गवर्नमेंट ने ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम थी ये जून के बाद से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब कई सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं दोस्तों, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, ऐसे स्टेट क्या करते हैं, ये NFSA के अलावा भी जो अपने पब्लिक है उसको और ज़्यादा गेहूँ और चावल देते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इनके पास गेहूँ चावल कहाँ से आएगा, ये तो खुद तो प्रोक्योर करते नहीं है। तो अब ये डिमांड कर रहे हैं क्या कि हमको गेहूँ और चावल दे भारत सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, पर फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी कि हम इसको नहीं देंगे। तो स्टेट में, इन स्टेट्स में वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। पहले बीच में आपने कर्नाटका की न्यूज़ पढ़ी होगी, कर्नाटका के CM भी काफ़ी अटैक किए भारत सरकार पर, जानबूझ के हमको क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, हमने देख ली, आप इसको और डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। जो फार्मर होता है वो प्रोड्यूस करता है, MSP पर गवर्नमेंट खरीद लेती है, गवर्नमेंट इससे NFSA चलाती है, 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ 3-1 रुपये पर KG बफर स्टॉक को मेंटेन करती है। उसके बाद भी कुछ सरप्लस बच जाता है तो फिर क्या करती है, ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत बेच देती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास स्टॉक ही पर्याप्त नहीं है, कम है, तो गवर्नमेंट OMS में कैसे बेच सकती है। तो इस साल गवर्नमेंट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया दोस्तों, बस दिस ईयर एलिनो डेफिशिएंसी रेनफॉल, प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम 13 जून से डिसकंटिन्यू कर दिया, ये कल इन्होंने पार्लियामेंट में लोकसभा में बताया। पर स्टेट डिमांड कर रहे हैं, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे स्टेट, तो ये तो डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारी सेकंड न्यूज, फेड राइजेज रेट्स बाय 25 BPS। जो फेड है ना, उसने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है, इंक्रीज किया। ये पूरा मामला हम समझेंगे दोस्तों। देखो आप सबको पता है, मैंने 1000 बार बता रखा है, COVID-19 के बाद में लॉकडाउन लग गया था, फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई थी, कई गवर्नमेंट ने बड़े बड़े पैकेज जारी किए थे, तो जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गई। आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि 2021-22 के बाद का दौर अगर इन्फ्लेशन का दौर है पूरे वर्ल्ड में, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, USA में, अमेरिका में 40 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई थी 2022 में, 14 ईयर्स की, 40 साल पहले इतनी महंगाई थी, उसके बाद अब इतनी महंगाई हुई, लगभग 9% की अबाउट थी। जिस अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का टारगेट रेट है ना कितना है, 2% है, कि भाई महंगाई 2% के आसपास अच्छी होती है अमेरिका के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर 9% से ऊपर चल रही है। यूरोपियन यूनियन, चाहे वो कोई भी देश हो, सारे देश महंगाई से प्रताड़ित हैं, इंडिया में भी काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ी थी। तो अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया था क्या कैसे करेंगे, कि एक ही तरीका है, डिमांड को कम करना पड़ेगा। महंगाई का सिंपल मतलब होता है लोग मांग ज़्यादा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं तो चीज़ें महंगी हो रही है, तो डिमांड को कम करने के लिए क्या करो, लोन महंगे कर दो, क्या करो, लोन महंगे कर दो, ताकि इससे क्या होगा, कम लोग लोन लेंगे। तो लोन महंगे करने के लिए हर देश, जो उस देश का सेंट्रल बैंक है ना, जैसे इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, USA में फेडरल रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना, कोई छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, तो फेडरल रिजर्व बैंक है, इसको शॉर्ट में फेड भी कह देते हैं, US फेड, या एक्चुअली इसका पूरा नाम तो फेडरल रिजर्व है लेकिन कई लोग इसको फेड भी कह देते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो यही जो न्यूज़ थी हमारी, आप आराम से देख सकते हैं कि ये क्या किया फेड ने पिछले 2022 से कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यू रेट बढ़ा रहा है, पॉलिसी रेट कंटिन्यू, जो इंटरेस्ट रेट है या पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो लेटेस्ट में भी जो जुलाई
24-5 जुलाई की बात है, एक लेटेस्ट में मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में उसने फिर वापस से क्या किया, रेपो रेट बढ़ाई है या पॉलिसी रेट बढ़ाई है 25 BPS से। अब ये बढ़ के कितनी होगी, 5.25 से 5.50% के रेंज में ये हो गई। जिस अमेरिका में 1 से 2% पॉलिसी रेट हुआ करते थे, वहाँ पर आज 5-5.5 के बीच में पॉलिसी रेट चल रही है। अब इससे क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा दोस्तों, भाई पॉलिसी रेट बढ़ाई, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये तो बात मानते हो आप, लोन महंगे हो जाएंगे, ओवरऑल मिला के लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो कंज्यूमर लोन कम लेंगे, लेंगे कंज्यूमर कम लोन लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और यही तो ये चाहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लेकिन इसका साइड इफेक्ट देखो आप, अगर लोन कम होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड ही नहीं है बाजार में, आम आदमी चीज़ें खरीद नहीं रहा, तो प्रोडक्शन घटेगा, बढ़ेगा प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो जीडीपी घटेगी, बढ़ेगी जीडीपी घटेगी, जीडीपी घटेगी तो इसको क्या कहते हैं, स्लो डाउन कहते हैं, तो उस देश में क्या होगा, मंदी आ जाएगी, प्रोडक्शन घटेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी देश में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है बात यहाँ तक। इसके अलावा डिमांड कम हो जाएगी तो बताओ जो बिजनेसमैन है वो लोन ले रहे हैं, महंगे ले रहे हैं, तो बिजनेसमैन लोन लेंगे क्या, नहीं लेंगे, तो बिजनेसमैन भी क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे, महंगा लोन कोई नहीं लेगा, बिजनेसमैन लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो वही स्लो डाउन। तो अमेरिका जैसे देश ये पॉलिसी रेट बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, स्लो डाउन का सामना कर रहे हैं, वहां पर मंदी आने की संभावना है, कम धीरे धीरे बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। कल ही हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट देखी थी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, उसमें भी यह माना गया कि भाई अमेरिका जैसे देशों में जो ग्रोथ रेट है बहुत कम रहने की उम्मीद है, क्यों, क्योंकि वहाँ पॉलिसी रेट बढ़ा दिया। ये दूधारी तलवार की तरह दोस्तों, आप रेट बढ़ाओगे तो महंगाई तो कंट्रोल होगी लेकिन स्लो डाउन आएगा, नहीं बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर और कई समस्या पैदा होगी। तो ये क्या कहते हैं, ये ट्रेड ऑफ चलता रहता है, ये इकोनॉमिक्स का सबसे फेमस ट्रेड ऑफ है, ग्रोथ वर्सेज इन्फ्लेशन, ग्रोथ चाहिए इन्फ्लेशन चाहिए, महंगाई बढ़ेगी तो ग्रोथ घटेगी, ग्रोथ घटेगी तो महंगाई बढ़ेगी, ऐसा है ना, ये ट्रेड ऑफ चलता है, इसको दुनिया का हर सेंट्रल बैंक को फेस ऑफ करना पड़ता है, क्या कर रहे हैं, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो आप ये न्यूज देख सकते हैं, यूएस फेड मीटिंग 5.25 से 5.50% कर दी गई है रेपो रेट। बेसिकली एक कमिटी होती है जो फेड रिजर्व है ना, इसकी एक कमिटी होती है FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक डिसाइड करता है रेपो रेट, लेकिन उसके लिए अलग से कमिटी बना रखी ना, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की तरह ही वहां भी कमेटी है FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। तो इस कमेटी ने डिसाइड लिया है कि ये 25 बीपीएस से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। ये आप देख सकते हो, मैंने बताया COVID-19 के बाद इन्फ्लेशन बढ़ गई, यूएसए में 9% के आसपास होगी जबकि टारगेट 2% का था। तो मार्च 2022 से क्या कर रहा है वो, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। ये उसका सेंट्रल बैंक का नाम याद रखना पड़ेगा, फेडरल रिजर्व, इसको शॉर्ट में फेड भी कह देते हैं, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, तो फेडरल रिजर्व की तरह एक कमेटी बनी हुई है, फेडरल ओपन मार्केटिंग कमेटी, ये डिसीजन लेती है जो भी इंटरेस्ट रेट का। इसके चेयरमैन है जेरम पावेल। दोस्तों ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, जैसे इंडिया में गवर्नर है ना, कौन है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, ऐसे ही वहाँ का जो फेडरल बैंक है उसके चेयरमैन कौन है, तो जेरम पावेल साहब है। ये जेरम पावेल साहब का नाम आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब रेट बढ़ा के कितने कर दिए, 5.25 से 5.5 तक ये कर दी। तो हमारी दो न्यूज़ थी, दोनों कंप्लीट होगी। लास्ट में एक छोटी सी न्यूज है जो कल आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसकी धूम मची हुई कि PM मोदी ने क्या किया, एक ICC का उद्घाटन किया, जिसका नाम बेसिकली उन्होंने फैंसी नाम दिया है कि भारत मंडपम, भारत मंडपम। इसके बारे में एक मिनट हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, दिल्ली देश की कैपिटल है, दिल्ली हम सब जानते हैं देश की कैपिटल है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, कई सारे बाहर से फॉरेन से लोग आते हैं। जैसे लेटेस्ट में G20 की मीटिंग होने वाली है सितंबर में, G20 के सारे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आएंगे, मीटिंग होगी। तो ऐसे मीटिंग के लिए बड़े बड़े हॉल चाहिए, मीटिंग हॉल वगैरह चाहिए। तो वर्तमान टाइम में तो एक तो विज्ञान भवन है, आप सबने देखा होगा जितनी भी बड़ी मीटिंग होती है भारत सरकार की या प्राइम मिनिस्टर की, वो सब विज्ञान भवन में ही होती है, यहीं से कोई बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च होते हैं। एक दोस्तों प्रगति मैदान था, यहाँ भी एक मीटिंग हॉल टाइप बना हुआ था। अगर आप में से कई दोस्त लोग दिल्ली में रहते होंगे वो जरूर गए होंगे प्रगति मैदान में। एक तो बुक फेयर लगता है यहाँ पर साल में, जो पुस्तक मेला होता है ना वो लगता है, साथ में एक ऑटोमोबाइल की ऑटो एक्सपो लगती है यहाँ पर, जितने भी
ये प्राइवेट कंपनी वगैरह होती है जो कार मेकर वगैरह ये आते हैं यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट बताते हैं। तो ये प्रगति मैदान काफ़ी पुराना हो गया था, तो गवर्नमेंट ने सोचा इसको क्यों ना अपडेट किया जाए, और G20 की मीटिंग भी आ रही थी, तो भारत सरकार ने 2700 करोड़ रुपये खर्च करके ये प्रगति मैदान को दोबारा डेवलपमेंट किया है, और इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया भारत मंडपम। तो आप देख सकते हैं पीएम मोदी इनॉग्रेट्स IECC इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी हो सकती है यहाँ, उसके साथ साथ में कन्वेंशन मीटिंग वगैरह भी यहाँ हो सकती है। तो ये नया IECC का उद्घाटन किया है दोस्तों, काफ़ी भव्य बनाया गया है इसका, दुनिया के टॉप 10 IECC में इसको शामिल किया गया है, टॉप 10 IECC में शामिल किया गया है। कल इसका उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने इसको अलग से नाम दिया भारत मंडपम। तो एग्जाम में सिंपल पूछा जा सकता है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत मंडपम क्या है, तो कोई शादी समारोह की बात नहीं है, ये दोस्तों एक मीटिंग हॉल है, कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर पूरी दुनिया से आगे जो फॉरेन से डेलीगेट आते हैं वो मीटिंग कर सकते हैं। लेटेस्ट में जो G20 की मीटिंग होगी वो यहीं पे होगी। तो आप देख सकते हैं रीडेवलपमेंट ऑफ प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स, जो प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास में, वहाँ पर उसका रीडेवलपमेंट किया गया है। IEC को ये बेसिकली एक IEC है जिसका फैंसी नाम दे दिया भारत मंडपम। ये दुनिया के टॉप 10 IECC में शामिल हो जाएगा, G20 की मीटिंग यहीं पर होनी है। अभी लेटेस्ट में दिल्ली में एक और है विज्ञान भवन, पर विज्ञान भवन काफ़ी पुराना हो गया, काफ़ी टाइम से लगभग 16 के टाइम में बना था ये, अब इसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है और देश धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो अब और बड़ा मीटिंग हॉल चाहिए, तो इसलिए ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की कल उद्घाटन किया गया। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, एग्जाम के छोटे मोटे एग्जाम पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई पूछते नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आज के जो हमारा इशू था वो यहीं खत्म होता है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।